शुरू करते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे 390 की टेस्ट राइड इतनी लेट, मतलब आए हुए कितना टाइम हो गया 390 का, फिर भी टेस्ट राइड में इतनी लेट क्यों? तो उसका रीज़न ये था क्योंकि मुझे पता था कि ये बाइक में कुछ तो खास है, इसकी वजह से प्यार हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कीड़ा होता है ना बाइक वालों को, वो अलग हो जाता है कि लाइक अब लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए, लेकिन आज अब मैंने जब सोच ही लिया है कि मुझे बाइक चेंज करनी है, तो फिर तू वेट करना, टेस्ट राइड लेके देख लीजिए। सो इसका जो बेसिकली जो सिटिंग पोस्चर है वो बिल्कुल अलग है, डोमिनर से मैं कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी ने बोला कि डोमिनर और ये एक जैसी है, इसलिए। सो बाइक बहुत एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। अब समझ में आया कि जो लोग 390 चलाते हैं वो इतना भगाते क्यों इसको, क्योंकि आप इसमें बैठोगे जैसे आपको लगेगा यार इसको भगाना बनता है बॉस। सो ये लुक आ रही है अगर मैं देखूँ तो KTM 390 पे, नॉट दैट बैड। आई थिंक मैं एवेंजर में भी इतना अच्छा नहीं लगता जितना इसमें लग रहा हूँ। सो और यू कैन सी पैरों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से नीचे आ रहे हैं, फ्लोर तक लग रहे हैं। राइडिंग के हिसाब से तो ऑसम है बाइक, बाकी बढ़िया। सो ये ऑरेंज कलर, ऑरेंज ब्लैक में इन्होंने टेस्ट राइड दी है, ये लग रहा है किसी ने गिराई है कभी। सो ये ऑरेंज ब्लैक है, लेकिन मेरा जो फेवरेट कलर है वो अंदर खड़ा है वाइट वाला, जिसके आपने फुटेज देख लिया होगा स्टार्टिंग में। सो बाइक तो बहुत सही है। सो अभी अंदर जाते हैं, उनसे बात करते हैं, वो बताएंगे थोड़ा क्या प्राइस है और क्या फीचर्स हैं, और डोमिनर से लोग इसे क्यों कंपेयर करते हैं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों की राइडिंग बिल्कुल अलग है। सो आई एम एट गुड़गांव KTM, क्या KTM गुड़गांव, ये वाला वाइट कलर है जो मुझे पसंद है, तो इसके बारे में बात करते हैं अभी, प्राइजेज और सब कुछ देख लेते हैं। सर KTM 390 ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है, ठीक है, यहाँ पे स्टॉक में बताया सिंबल करते हैं इंडिया में, ठीक है, 271,094 ऑन रोड प्राइजेस का, ठीक है। इसके अंदर फीचर्स आपको क्या क्या मिलेंगे, ये डुअल ABS है विथ सुपर मोटो ऑप्शन। सुपर मोटो ऑप्शन मीन सर कि आप ऑन राइड आप इसका ABS आप बंद कर सकते हो या फिर एक ABS में निकाल सकते हो। 43.5 HP की हॉर्स पावर है, 183 टॉप स्पीड है, 13.5 टैंक कैपेसिटी, टायर्स के जो है मैचला के हैं, सीटिंग कंफर्टेबिलिटी में थोड़ा एक्स्ट्रा कुशन डाले गए हैं जिससे कि बाइक थोड़ी और सॉफ्ट हो गई है सीटिंग कंफर्टेबिलिटी के अंदर। 2 ईयर्स की वारंटी है और 30,000 किलोमीटर आपको ये वारंटी पीरियड रहेगा, 1 ईयर की इसकी बैटरी की वारंटी रहेगी। एडजस्टेबल लीवर है, आप इसको पैक करके अपने फिंगर के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। राइड बाय वायर है, स्लीपर क्लच है, LED लाइट्स हैं, TFT मीटर साथ में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको दिया है इसमें। ये जो रेडिएटर फैन है 2017 मॉडल से 18 मॉडल में इसके अंदर एक चेंज किया गया है। क्या चेंज किया है, इस बार जो है जो फैन है इस पर कवर डाला गया है जिससे कि जो हीटिंग है इसकी वो डाउनवर्ड्स जाएगी, और दूसरा क्या है कि इसकी जो साउंडिंग है वो भी बहुत कम रहेगी। 2.5 HP इंजन है सर, तो ऑब्वियसली है सिटी में तो चलेगी नहीं, अगर आप सीटें चलाओगे सर इसमें तो 25-30 BHP तक ठीक चल जाएगी, 44 BHP अगर सीटें चलाओगे बाइक तो हिट करेगी। इसके अलावा आप इसको टूरिंग पे ले जाओ ये बिल्कुल हिट नहीं करेगी क्योंकि लंबा चलेगी, खुल के चलेगी। इसलिए सो थैंक्स टू देव भाई, सो देव भाई ने बाइक के बारे में पूरा बता दिया है। सो बाइक के बारे में तो पूरी डिटेल दे ही दी है, प्लस आप देख सकते हो कि लाइक टेस्ट राइड में भी बहुत हेल्प करी है। ये KTM गुड़गांव है यहाँ पे। सो अगर आप लोगों को टेस्ट राइड लेनी हो 390 की, क्योंकि अभी 390 अवेलेबल है ना, सो अभी 390 अवेलेबल है, तो 390 की टेस्ट राइड के लिए यू कैन कम टू KTM गुड़गांव। सो बहुत सपोर्टिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से चला के देख सकते हो। हाँ, इनका बंदा साथ में जाएगा, वो सिक्योरिटी रीज़न होता है, लाइक आप मतलब कि लाइक ये अपनी बाइक को ऑब्वियसली किसी भी अननोन को दे नहीं सकते, तो साथ जाएगा, लेकिन आप आराम से राउंड लगा के चेक कर सकते हो। क्योंकि ऑब्वियसली जब भी बाइक लेनी है तो बाइक के फीचर से ज़्यादा एक बार बाइक टेस्ट राइड तो बनती है। सो कोई भी बाइक बिना टेस्ट राइड के मत फाइनल करो, क्योंकि अगर आप देखो तो सही कि आपको वो चलाने में मज़ा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, कल को आप बुक कर लो और बाद में आपको लगे यार कि नहीं बाइक में मज़ा तो आ नहीं रहा। सो टेस्ट राइड के लिए यू कैन कम एंड कॉन्टैक्ट देव। सो बाकी इनकी डिटेल्स अगर कुछ KTM गुड़गांव के हो गए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। सो
सो कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर देना नीचे, सो देव फॉलो कर लेंगे वीडियो को और उसके रिप्लाई कर देंगे कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू KTM, एनी KTM बाइक और 390, ठीक है। सो थैंक्स देव भाई। मैं तो डिसाइड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी ने बोला था वैसे डोमिनर से कंपैरिजन का, लेकिन मुझे कहीं से लगा नहीं कि KTM 390 और डोमिनर का कोई कंपैरिजन है। सो बाकी अगर आप लोग भी यही कंपैरिजन कर रहे हो तो मुझे लग रहा है कि गलत है, कंपैरिजन नहीं बनता इन दोनों का। हाँ, प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका बजट ही उतना नहीं है तो आप डोमिनर के लिए ही जाओ, ठीक है ना, क्योंकि 100,000 के आसपास का फ़र्क है। तो अगर आपका बजट ही 2 के अंदर है ना तो डोमिनर ही ले लो, लेकिन अगर आपको बढ़िया बाइक चाहिए ना, मतलब जिसमें लगता है हाँ कि चला के मज़ा आएगा आपको, चाहे टूरिंग हो या सिटी राइड हो कुछ भी, तो 390 बनती है। तो बजट थोड़ा सा अगर इंक्रीज़ कर सको तो 390, अगर बजट के अंदर लेनी है तो डोमिनर। सर्विस में देव कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया था ना, क्योंकि आप बाइक देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सर्विस में ज़्यादा होगी, महंगी पड़ती होगी, लेकिन कह तो रहेगी लाइक सर्विस सेम ही पड़ती है, क्योंकि जो डोमिनर का जो सर्विस इंटरवल है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब लाइक पहला 500 किलोमीटर पे है, फिर उसके बाद बढ़ते, मतलब लाइक है इसका पहला कब आता है 1000 पे, तो इसका आफ्टर 1000 किलोमीटर फर्स्ट सर्विस होती है। तो सर्विस इंटरवल पे मैटर करता है कि सर्विस कॉस्ट कैसी है। तो अगर आप बोलो कि लाइक हर थोड़े थोड़े दिनों में आप सर्विस करवा रहे हो और कॉस्ट कम है तो एक्चुअली आपको महंगी पड़ेगी, और अगर इंटरवल ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपको सर्विस सस्ती पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें सोच लेना, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना, तो उसका रिप्लाई कर देगा यहीं से कोई ना कोई, कर देगा या मैं कर दूंगा पूछ के। तो अगर आप टेस्ट राइड लेते हो तो टेस्ट राइड के बाद एक बार फीडबैक जरूर देके जाना कि आपको बाइक चला के कैसा लगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना फीडबैक के तो इनको भी पता नहीं चलेगा कि कस्टमर को क्या चीज़ अच्छी लग रही है क्या बुरी लग रही है। सो बाकी तो KTM गुड़गांव बहुत सपोर्टिव है इन चीज़ों को लेकर। अगर आपको फीडबैक कुछ भी हो, अगर आप ओके गए हो ऑलरेडी यहाँ से, अगर आपको प्रॉब्लम भी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, तो यहाँ से वो लोग आपको रिप्लाई कर देंगे। गाइस, आई एम डन विद द टेस्ट राइड भी वगैरह। सो KTM गुड़गांव में आया था मैं, सो सही जगह है। सो देख लेना बाइक अच्छी है, KTM 390 मुझे पता था कि मैं चलाऊँगा तो मुझे पसंद आई जाएगी, इसलिए मैं लेट कर रहा था। अब समझ में आपको आ जाएगा कि मैं क्यों लेट कर रहा था टेस्ट राइड के लिए, क्योंकि चाहता तो मैं टेस्ट राइड पहले ले चुका होता जब मैंने डोमिनर की ली थी, लेकिन मुझे पता था कि एक बार मैं बाइक चलाऊंगा तो वो होता ना कीड़ा होता ना बाइक वालों को, वो अलग हो जाता है कि लाइक अब लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। सो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं वैसे तो हेलमेट लेके आया था, लेकिन मैं अपनी गाड़ी में आया था, यू कैन सी वो खड़ी पीछे। सो अब जा रहा हूँ, वही मैंने उनको बोला कि मैं अभी नहीं लूँगा क्योंकि गर्मियों में क्या फ़ायदा यार लेके खड़ी करने वाला, क्योंकि अभी भी मैं गाड़ी में ही घूम रहा हूँ, बाइक लेके भी मैं गाड़ी में ही घूमूंगा। सो ये भी ठीक नहीं है ना कि आप बाइक ले लो फिर आप गाड़ी में घूमो, सो बेटर है कि गर्मियों के बाद ले लेंगे, ऐसी कौन सी जल्दी हो रही है। गाड़ी का जो ऑन रोड है वो अराउंड 270,000 है। सो डिसाइड कर लो, इसमें और डोमिनर में 100,000 का फ़र्क आराम से आ जाता है। डोमिनर जो है 170,000 के अराउंड मिल जाएगी आपको ऑन रोड, ये वाली मिलेगी 270,000, तो 100,000 रुपये का फ़र्क है, एक्चुअली 95,000 समथिंग का फ़र्क है, लेकिन स्टिल फ़र्क तो फ़र्क है। चलते अब यहाँ से, देखते हैं क्या होगा, जो भी होगा वो आपको अगली वीडियो में दिखेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इतनी गर्मी में टेस्ट राइड सिर्फ आपके लिए ली है, थोड़ी सी अपने लिए भी ली है। सो ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। सो डोंट थिंक अबाउट देम, डू व्हाट यू लाइक। सो ये बना लो फंडा अपनी लाइफ का तो कुछ अचीव कर लोगे। मैं भी अभी कोशिश कर रहा हूँ, आपके साथ ही सीख रहा हूँ, आपके साथ ही चलूँगा। सो अपना सपोर्ट मेरे पे बनाए रखो, चलो चलो बाय बाय। पल्सर 150 या 180 नहीं आएगी, उसकी टेस्ट राइड लेते हैं, ली होगी तो अगली वीडियो में देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पता चल जाएगा, बेल का आइकन भी दबा देना, नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। सो बाइक तो बहुत सही है।